आज के इस वीडियो में हम आपको कुंभ मेले और संगम का दर्शन कराने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो हम आ चुके हैं संगम के तीर्थ स्थल पर, जहां चारों तरफ नदियों के लहरों की गूंज सुनाई देती है, क्योंकि संगम बहुत बड़ा है और यहां पर लगने वाले मेले भी बड़े तादाद में लगते हैं। संगम घाट पर स्नान का मेला लगता है, तो वहीं 2 किलोमीटर दूर झूला व शॉपिंग करने के लिए एक बड़ा मेला लगता है। और इस बीच रास्ते में सड़क के दोनों तरफ दुकानें लगी रहती हैं और काफी भीड़ रहता है। फिलहाल तो हम मेले के एकदम आखिरी दिनों में आए हैं, इसलिए यहाँ काफी चीजें हट चुकी हैं और लोगों की भीड़ भी बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। अगर हम उस समय में आए होते तो यहाँ पर शायद वीडियो बनाने के लिए जगह नहीं मिलता। तो आप देख सकते हैं कि हम संगम घाट की तरफ जा रहे हैं और यहाँ रास्ते पर चारों तरफ गाड़ियां हैं और लोगों की दुकानें हैं। चलिए चलते हैं घाट की ओर। आप देख सकते हैं कि घाट पे पूजा के लिए यहाँ पर अगरबत्ती, धूप, कपूर, फूल, प्रसाद मिल रहे हैं। साथ ही गंगा जल का पानी भर के घर ले जाने के लिए तरह तरह के बोतल भी मिल रहे हैं। ये आपकी इच्छा है कि आप यहाँ से क्या खरीदेंगे। ये देखिए यहाँ पर कैसे लोग लाइन से बैठे हुए हैं, अपने आगे थाली रखे हुए हैं और लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अपनी इच्छा से लोग अगर इन्हें कुछ भी दे दें तो ये रख लेते हैं। यहाँ पर ये एक छोटी सी बच्ची को देख लीजिए, ये माता दुर्गा का मेकअप कर चुनरी ओढ़ हाथ में थाली लिए लोगों के पास जाकर उनसे पैसे मांग रही है और लोग इसके प्यारे चेहरे को देखकर माँ देवी का रूप मानकर अपनी इच्छा अनुसार इसके थाली में पैसे डाल रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको देखने को मिल ही जाएंगे, जो आपसे पैसे मांगेंगे या कुछ खाने की चीजें मांगेंगे। वो आपकी इच्छा है कि आप किसको क्या देते हैं। हम आ चुके हैं घाट पर, जहाँ पर गंगा, जमुना, सरस्वती के मिलन से संगम बनता है, जहाँ के एक डुबकी से लोगों का जीवन सफल हो जाता है। आप देख सकते हैं कि घाट पर कितने सारे लोग हैं, इस घाट पर कितना चहल पहल है। दूर दूर तक केवल और केवल
पानी ही पानी है। नदी के किनारों पर लोगों का भीड़ है। सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। कोई स्नान कर रहा है, तो कोई खरीदारी, तो कोई आराम कर रहा है, तो कोई घूम फिर रहा है। ये देखिए, यहाँ पर चारों तरफ नाव लगाए गए हैं और इस नाव पर लोग बैठकर नदी के बीचों बीच जाकर स्नान कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस नाव पर एक लोग के बैठने का किराया 180 रुपए है, जिस वजह से बहुत ही कम लोग ही इस नाव का यात्रा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे घाट पर लोगों ने दुकानें लगाई हुई हैं। चाय की, पकौड़ी की, पूरी सब्जी की, गोलगप्पे की। जो लोग स्नान कर ले रहे हैं, वहीं के दुकानों से कुछ ना कुछ खाते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए कैसे लोग स्नान कर रहे हैं। भक्ति भाव में डूबे लोग गंगा स्नान कर गंगा मैया की उपासना कर रहे हैं। संगम में स्नान कर वो शांति का अनुभव कर रहे हैं। ये देखिए घाट का पूरा नजारा। ये देखिए, ये साधु बाबा महादेव के प्रिय सर्प को एक खचोली में रखे हुए हैं और महादेव के नाम पर भक्तों से कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ाने की गुजारिश कर रहे हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि आप शिव शंकर के नाम पर इस सांप को कितने का चढ़ावा चढ़ाते हैं। यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे साधु संत आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर ऊँटों की सवारी भी कराई जाती है। देखिए कैसे यहाँ पर ऊँटों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हम आपको बता दें कि एक राउंड का 50 रुपए चार्ज लिया जाता है। ऊँट पर एक बार में दो लोग बैठते हैं। एक आदमी का 50 रुपए किराया होता है और घाट का एक राउंड घुमाकर उन्हें वापस इसी जगह पर ला दिया जाता है। जो लोग घूमने फिरने के शौकीन होते हैं या फिर फोटोज और वीडियोस के शौकीन होते हैं, वो ऊंट की सवारी का मजा जरूर लेते हैं।
इस तरह से तमाम चीजें आपको इस घाट के किनारे पर मिल ही जाएंगी जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगी। तो ये था संगम और संगम के किनारे के घाट का मेला। अब हम आपको कुंभ के बड़े मेले में ले जाएंगे जहां पर हर एक चीज मिलता है। तो चलिए चलते हैं। हम आपको बता दें कि ये बड़ा मेला संगम से 2 किलोमीटर दूरी पर लगता है। आप चाहें तो पैदल जा सकते हैं और ना चाहें तो ऑटो लेकर जा सकते हैं या फिर ई रिक्शा लेकर आप जा सकते हैं। हम आपको बता दें कि ऑटो हो या ई रिक्शा, जो भी हो, आपको इस मेले में छोड़ने का 10 से 15 रुपए चार्ज लेगा। चलिए चलते हैं इस मेले में। तो यहाँ हम आ चुके हैं कुंभ मेले में। एक बड़े से बाउंड्री के अंदर ये पूरा मेला लगा हुआ है जहाँ शुरू से लेकर आखिरी तक केवल दुकानें ही दुकानें हैं। यहाँ पर आपको हर एक चीज मिलेगा, वो भी सस्ते से सस्ता, अच्छे से अच्छा। जो चीज़ें आप मार्केट में खरीदती हैं वो चीज़ें यहाँ पर उससे भी कम दाम में मिलती हैं। आप यहाँ पर जब भी कुछ खरीदेंगे तो आपका मन होगा कि आप इसे तुरंत खरीद लें। आप यहाँ चाहे कितना भी पैसा लेकर आएं, वो आपके लिए कम ही पड़ जाएगा। आप यहां पर जब भी कुछ खरीदेंगे तो आपका मन होगा कि आप इसे तुरंत खरीद लें। आप यहां चाहे कितना भी पैसा लेकर आएं, वो आपके लिए कम ही पड़ जाएगा। ये देखिए किस तरह से यहां लाइन से दुकानें लगाई गई हैं। ये देखिए खिलौने की दुकान है यहाँ, जहाँ बच्चों के लिए कई तरह की वैरायटीज हैं। टेडी बियर्स, कार, बंदूक, डॉल्स से लगाई हर तरह के खिलौने हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर आपको खिलौने केवल और केवल 50 रुपए से मिलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर जो खिलौने का स्टॉक आप देख रहे हैं, चाहे आप इनमें से जो कुछ भी लें, इन सब का दाम 80 रुपए है। और यही खिलौने अगर आप बाजार में खरीदने जाएंगे तो एक का दाम कम से कम आपको 150 से 250 के रूप में मिल ही जाएगा। तो दिखा ना कितना सारा खिलौना कितना कम दाम में यहाँ मिल रहा है। क्या आप खरीदना चाहेंगे?
देखिए, यहाँ पर चप्पलों की दुकानें हैं और यहाँ इतने सारे चप्पल मिल रहे हैं कि बस आपका मन होगा कि इनमें से सभी को आप तुरंत खरीद के घर ले जाएं। लेकिन हम आपको बता दें कि इन चप्पलों का दाम यहाँ पर 150 रुपए होते हैं। इनमें पार्टी वियर, कैजुअल से लेकर हर तरह के स्टॉक आपको मिल जाएंगे, वो भी केवल और केवल एक दाम पे, फिर चाहे आप जो खरीद लो। हम आपको बता दें कि इस मेले में एक ही नहीं बल्कि ढेर सारी चप्पलों की सेल लगाई हुई है, जहां आपको आपके पसंद के चप्पल जरूर ही मिल जाएगी। देखिए, यहाँ पर बर्तनों के सेल लगे हुए हैं, जहाँ से आप चाहें जो कुछ भी बर्तन खरीद लें, सब कुछ 50 रुपए में ही मिल जाएंगे। जरा देखिए कितने सारे बर्तन हैं यहाँ पर, छोटे बर्तन, बड़े बर्तन, हर तरह के बर्तन हैं। फिर चाहे स्टील के बर्तन खरीदें आप या फिर कांच के, सब कुछ आपको यहाँ पर 50 रुपए में ही मिल जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे स्टाइलिश प्लेट्स हैं, ग्लासेस हैं, और ये देखिए ये छोटी कढ़ाई कितनी प्यारी है। अगर आप ये छोटी कढ़ाई बाहर से खरीदेंगे तो आपको ये कढ़ाई मार्केट में 360 रुपए के पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर ये केवल और केवल 50 रुपए में उपलब्ध है। देखिए, सब्जी चलाने के लिए पलटे, कप, ट्रे, कटोरी, थाली, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, वो भी केवल और केवल 50 रुपए में। अब आपकी मर्जी है कि आप इसे खरीदें या ना खरीदें, लेकिन यहाँ पर जो भी आता है वो ना चाहते हुए भी इन बर्तनों में से कुछ आइटम तो जरूर ही खरीद लेता है। यहाँ पर अंगूठियों का सेल है, यहाँ सारे अंगूठी 50 रुपए में हैं, जबकि मार्केट में अगर आप खरीदेंगे तो कुछ के दाम 100 रुपए होंगे तो कुछ के दाम 150 रुपए होंगे। ये फुल पार्टी वियर रिंग्स हैं, जिसे आप साड़ी या लहंगा, गाउन वगैरह पे कैरी कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर बैग्स की दुकानें हैं, यहाँ आपको कपड़े रखने के लिए बैग, स्कूल बैग, कैजुअल बैग, रेगुलर बैग, साइड बैग से लगाए पर्स, साइड पर्स, ऑफिस पर्स, मार्केट पर्स, हैंड पर्स, सब कुछ मिल जाएंगे, और इनके दाम 100 रुपए से लेकर 350 रुपए तक सीमित है। अगर आप यही पर्स, यही बैग बाजार में खरीदेंगे तो ये आपको बहुत महंगे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर अपनी क्वालिटी के हिसाब से ये आपको कम दाम में मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए, लड़कियों के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ये देखिए, स्टाइलिश हेयर बैंड्स, क्लिप्स और तमाम तरह के हेयर एसेसरीज मिल रहे हैं। यहाँ पर हर एक माल केवल 10 रुपए में है। अगर आप यही हेयर बैंड या क्लिप मार्केट में खरीदेंगे तो इनका दाम 25 रुपए से लेकर 35 रुपए तक होगा, जबकि वही यहाँ पर केवल 10 रुपए में है। यहाँ पर लड़कियों के लिए तमाम तरह के ज्वेलरीज हैं, इयर रिंग्स हैं, नेल पेंट्स हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, जो केवल और केवल 50 रुपए में है। जूते, चप्पल, बैग्स, ज्वेलरी, खिलौने, बर्तन आदि के अलावा यहाँ पर कपड़ों की भी बहुत सारी दुकानें हैं, जहाँ आपको 100 के टी शर्ट, पैंट से लेकर 250 के कुर्ती, सूट, जींस टॉप मिल जाएंगे। इन सब के बाद आपको यहाँ पर
लड्डू गोपाल की तरह तरह की मूर्तियां भी देखने को मिल जाएंगे। साथ ही उनके लिए ढेर सारे कपड़े, खिलौने, झूला, सोफा, बेड आदि भी मिल जाएगा। अगर आप लड्डू गोपाल को लेना चाहते हैं तो इस मेले के मार्केट से ले सकते हैं। और जब आप खरीदारी करके मेला घूम के थक जाएं तो आपको यहाँ पर तरह तरह के खाने पीने के भी सामान मिलेंगे, जहाँ आप आराम से बैठकर खाकर मेले का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर आपको डोसा, छोला भटूरा, बर्गर, चौमीन, आइसक्रीम, चॉकलेट, कैंडी प्लॉस, कुल्हड़ चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, पाव भाजी, पूड़ी सब्जी, कचौड़ी, फुलकी चाट, मिठाइयाँ, सब कुछ खाने को मिल जाएंगे। अभी आप पर निर्भर करता है कि आप क्या खाना पसंद करेंगे। इस मेले में आपको अपने घर में यूज होने वाले छोटे बड़े सामान भी कम दाम में मिल जाएंगे। साथ ही आपको अपने घर को सजाने के लिए फ्लावर पॉट, सीनरी, बड़े पर्दे, बेडशीट, तकिए के कोल, झूमर आदि भी मिल जाएंगे। इन सब के बाद यहाँ पर बहुत तरह तरह के झूले भी आपको झूलने को मिल जाएंगे। यहाँ पर करीबन 50 झूले हैं। कुछ झूले तो बेहद ही खतरनाक हैं, जिन पर बैठकर झूलने पर लोगों के मुँह से चीखें निकलने लगती हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए छोटे छोटे झूले भी उपलब्ध हैं, जो दिखने में बहुत ही प्यारे होते हैं और बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन झूलों पर सेफ्टी का काफी ख्याल रखा जाता है। आप निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर इन झूलों का आनंद उठा सकते हैं। हम आपको बता दें कि हर झूलों पर चार्ज लगता है। कुछ झूलों पर अधिक चार्ज लगता है तो कुछ झूलों पर कम चार्ज लगता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा झूला झूलेंगे। ये देखिए, ये बड़ा चक्री झूला, इस पर बड़े बड़े लोग बैठकर झूलना पसंद करते हैं। झूले पर बैठ के जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको पूरा मेला बैठे बैठे ही दिख जाता है। हम आपको बता दें कि इस बड़े से झूले को झूलने के लिए ₹150 चार्ज लिया जाता है। और ये जो झूला आप देख रहे हैं, हम आपको बता दें कि इस झूले पे भी बैठने का ₹150 चार्ज लिया जाता है। बाकी के झूले भी 100, 80, 50 रुपए तक में झूलाए जाते हैं। आइए देखते हैं इन झूलों को करीब से। तो देख लिया आपने ये मेला कितना बड़ा था, कितना अच्छा था। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या आप इस मेले में आ चुके हैं या फिर आना चाहते हैं? फिर मिलेंगे इस तरह के वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग करारा न्यूज़ डे एंड नाइट।